मैं कोशिश करूंगा कि हर 2-3 दिन बाद इस तरीके की एक वीडियो बनाएं, इसलिए आप अपना एक कमेंट जरूर से कमेंट बॉक्स में डाल दें। इन्होंने कही है कि अपने बारे में कुछ बताओ, आपकी बात पे भरोसा क्यों करें। बिल्कुल, तो देखो यार, मैं अभी जेई 2021 मैंने दिया था, मेरे 74 परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली मेरे आए थे मार्च वाले अटेम्प्ट में। उसके बाद मैंने जब अगला दिया अप्रैल वाला, या फिर बोलने की ये जुलाई वाला, तो उसमें मेरे 85 परसेंटाइल थे। और इस बार मैंने दिया है तो इस बार भी शायद कुछ इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है, 90-92 परसेंटाइल के आसपास आ सकती है। तो यही चीज़ है मेरा। और मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत टेंस रहता था मार्च में, जब मेरे रिज़ल्ट आए थे तो मैंने 74 परसेंटाइल, तो मैंने उस पर बहुत सारे कॉलेजेस सर्च किए, बहुत, मैं सच बताऊँ मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की कॉलेजेस के ऊपर, एंड फाइनली ये मुझे पता चला कि हाँ यार, मेरे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सही में इस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, उनका परसेंटाइल इतना है, उनको पता नहीं क्या करना है। और मुझे बहुत सारी बातें पता चली कि हाँ यार, ऐसे एडमिशन होता है, ऐसे होता है, आपको लो रैंक पे भी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की सोची, ठीक है। और वैसे आपको अगर इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी जाननी हो तो आप कहीं ना कहीं इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि आज की दुनिया एक व्यक्ति में सिमट कर नहीं रह गई है, ठीक है, हजारों लोग हैं, मुझे ऐसा पता है। और इसलिए मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर उसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है, ऑब्वियसली आप इंसान हैं, डाउट आना ही चाहिए, तो आप उस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हो कहीं और से, इंटरनेट, गूगल, बहुत सारी चीज़, ठीक है। दूसरा नंबर है, भाई मेरा 44 परसेंटाइल है, MD वजीउल्लाह जी का सवाल है, भाई मेरा 44 परसेंटाइल है, मेरा कौन से कॉलेज में होगा। ओके, तो देखिए बहुत ही अच्छी बात इन्होंने पूछी है, 44 परसेंटाइल। आज शाम को मैं कोशिश करूँगा 6 से 7 बजे के बीच में डालने की, एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बताऊँगा 60 परसेंटाइल से लेस अगर आपके हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेज ऑप्शंस आपके पास हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, शाम 6 से 7 बजे के बीच। ओके, अगला आता है, भैया YMCA फरीदाबाद में 80 परसेंटाइल पर कौन सी ब्रांच मिल सकती है, मेरा होम स्टेट OBC कैटेगरी। ओके, तो देखो यार, YMCA फरीदाबाद के अंदर 80 परसेंटाइल के ऊपर आपको ऑनलाइन के अंदर नहीं मिलेगी, ऑफलाइन काउंसलिंग के अंदर या फिर फिजिकल काउंसलिंग के अंदर आपको मिलने के चांसेस है। और आपको ECE ब्रांच मेरे हिसाब से मिल सकती है, सिंस आपका OBC है और होम स्टेट भी है, इसलिए आपको फिजिकल काउंसलिंग में जरूर से पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, फिजिकल काउंसलिंग के ऊपर सारी बातें अच्छे से मैंने बताई, ठीक है। नेक्स्ट, भैया 62.94 परसेंटाइल, होम स्टेट बिहार, तो बिहार के बाहर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या। हाँ यार, बिल्कुल मिलेगा, और मैं भी बिहार से हूँ बेसिकली, तो हम तो भाई भाई हैं। 62.94 परसेंटाइल अगर आपके हैं तो मैं आपको बता दूँ, बिहार के बाहर आपको बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। आज मैं 60 से कम परसेंटाइल वालों के लिए वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसको आप ज़रूर से देखें, बहुत गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि बिहार के अंदर कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, तो वैसे ही हर स्टेट में होता है, ठीक है, आप बात को समझ रहे होंगे। 84 परसेंटाइल OBC गर्ल कोई कॉलेज, तो देखो मैं आपको बताऊँगा, IGDTUW इंदिरा गांधी कॉलेज जो है दिल्ली के अंदर लोकेटेड, सिंस आप कह रही हैं गर्ल OBC कैटेगरी, तो आपको वहाँ पे MAE मिलने के चांसेस बन रहे हैं, MAE मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आपको मिल सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ उसको कंसिडर आप कर सकते हो, बिकॉज वो आपके लिए आई थिंक मेरे विचार में 84 के ऊपर बेस्ट ऑप्शन। भाई क्या आपको लगता है कि GBPU 80 में भी ये होगा। देखो यार, मेरा ये मानना है कि कोई भी कॉलेज की सीट फुल नहीं होती, चाहे वो NIT हो, IIT हो या IIIT। अब उनकी भरने की अलग अलग प्रक्रिया होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में भरने की प्रक्रिया अलग होती है, फिजिकल काउंसलिंग, तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हर कॉलेज में ऐसी चीज़ें होती है, और GBPU 80 पंतनगर, COT पंतनगर में भी ये होगा। ओके, भाई ये DTU और NSIT के भी अंदर ये फिजिकल काउंसलिंग होती है क्या। तो यार DTU NSIT, हाँ
यहाँ होने के चांसेस कम होते हैं लाइक NIT IIIT, क्योंकि ये भी उसी लेवल के कॉलेजेस कंसिडर किए जाते हैं, तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 4-5 सीट बच जाती है। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो सबसे ज़्यादा सीट कंप्यूटर साइंस के अंदर बचती है, ठीक है, तो आप जरूर से एक बार देखें। हाँ बिल्कुल होती है, DGU NSIT के अंदर भी होती है। 75.4% विच कॉलेज शुड आई ऑप्ट फीमेल कैटेगरी, देखिए 75.4% है, तो मैं आपको पहले बोलूंगा कि आप 70-75% वाली जो वीडियो बनाई है मैंने उसको आप देख लो। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आप MP DTE और HSTES के काउंसलिंग में बैठो और वहां पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने का चांस होता है, क्योंकि फीमेल कैटेगरी आपके पास है। ओके भाई, 85.698% होम स्टेट UP है, HBTI या IIT मिल सकता है क्या? देखो भाई, आपका 85.698% है, होम स्टेट आपका यूपी है, HBTI या फिर IIT में आपको लेना है। एक मैं आपको यहाँ पे शायद PDF दिखा रहा हूँ, HBTI कानपुर के अंदर पिछले साल लगभग कंप्यूटर साइंस के अंदर 4 सीट्स, बायोमेडिकल के अंदर 9 सीट्स बची थी, EWS कैटेगरी के लिए 3 सीट बची थी। मौका है आपके पास, मिल सकता है भाई। सब्सक्राइब कर दिया, मेरे लिए बेस्ट कॉलेज CS IT या फिर ECE चाहिए, यूपी से हो आप, OBC कैटेगरी 93.5%। देखो 93.5% आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल हैं, आप यूपी से हो, OBC कैटेगरी आपकी है, तो आपको मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आपको UIT चंडीगढ़, आप जानते होंगे जाकर चंडीगढ़ के अंदर से काउंसलिंग होती है, वहाँ पे आपको ECE ब्रांच मिल सकती है। आई थिंक इलेक्ट्रिकल तो पक्का मिल जाएगा, ECE कोशिश करना, मिल जाए तो वो बहुत अच्छा कॉलेज है, जैक दिल्ली के लिए बेस्ट कॉलेज है, जैक चंडीगढ़ के लिए बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। तो यही चीज़, हाँ, और सब्सक्राइब कर दिया, धन्यवाद भाई बहुत बहुत। ऐसे ही आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को, ताकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो और प्रोड्यूस करूँ, बनाऊँ और आपको ऐसे बेनिफिट दूँ। क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को यार अंदर की बातें नहीं पता होती है, और वो लोग एक ऐसे स्पेस में होते हैं जहाँ से बाहर की चीज़ें उनको दिखती नहीं है, तो मैं वही आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस मेरा ये एम है। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देख।